फ्रेंड्स, मैं गौरव मथुरा आकाशवाणी केंद्र से आपका यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। साथियों, 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आता है, जिसके पश्चात 2 जुलाई को मैं एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपसे ये कहता हूं कि भाई आपका जो मेडिकल के लेके जो भी नोटिस है, आपका 15 और 20 जुलाई के बीच में आपका नोटिस आ जाएगा। और आपको मैंने ये वादा किया था कि भाई जो आपकी 15 अगस्त है वो आपकी वर्दी में मनेगी, तो उसके लिए दोस्तों मैं शर्मिंदा हूँ, जो कि ऐसा हो नहीं सका। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमने 15 और 20 के बीच में बोला था, तो 16 और 19 जुलाई को फायरमैन के नोटिस तथा 20 जुलाई को जेल वार्डर का नोटिस आ गया था, और 23 जुलाई को आया था घुड़सवार पुलिस का। और दोस्तों, हमने आपसे बोला था कि आपकी जो ज्वाइनिंग है 15 अगस्त तक हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हम उसमें एक दिन लेट हो गए, जो कि आपकी ज्वाइनिंग 16 अगस्त को ना होके मतलब 17 अगस्त को आपको ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें 16 अगस्त का दिन बीच में एक्स्ट्रा हो गया। उम्मीद है आप इसके लिए आप हमको क्षमा कर दोगे, क्योंकि साथियों आपको आज तक जो भी खबर इस चैनल पर दिखाई गई है पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाई गई थी। दोस्तों, हमारे पास ये आमद की खबर आ तो पहले गई थी, लेकिन हमको कन्फर्मेशन नहीं मिल रही थी। दोस्तों, अब जैसे ही कन्फर्मेशन मिली है तभी वीडियो ला पा रहा हूँ, क्योंकि साथियों आज तक इस चैनल पर ना कभी कोई फर्जी खबर दिखाई गई और ना कभी दिखाई जाएगी। ठीक है साथियों, इसलिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए साथियों, देखिए दोस्तों, ये फर्रुखाबाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर की अंदर से फ़ोटो है, जहाँ पर ये जो हमारे साथी हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने खुद वीडियो कॉल करी थी और वहाँ पर रात को देखा था पूरा सिस्टम, आप भरोसा कर सकते हो। जिसमें शायद 13 लड़के थे, जिनमें से 9 की आमद हो गई है, 4 के कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं थे, तो 9 कैंडिडेट्स की आमद फर्रुखाबाद ज़िले में हो गई है। इस बात की पुष्टि यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल करता है। ठीक है साथियों, और दोस्तों यदि आपने अभी तक 101 रुपये डोनेट नहीं किए हैं, दोस्तों यह डोनेशन हमारे भाई नितिन के लिए है, जो कि फायरमैन के मेडिकल में अनफिट हो गए थे, रीमेडिकल में अनफिट हो गए थे और इस भर्ती से बाहर हो गए थे, जो कि उनकी आई साइट की वजह से, जिनमें आई साइट उनका 6, 12, 7, 18 मेरे को पक्का जाने, लेकिन आई साइट की वजह से वो बाहर हो गए थे, जिसके लिए आपसे डोनेशन मांगा था। दोस्तों, जो भी डोनेशन आया था वो हमने सारा प्रूफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सब कुछ दिखा दिया है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उनको दे दिया गया, कोर्स वगैरह जो कुछ भी है, रिचार्ज वगैरह सारी प्रोसेस उनको, और हम रिकॉर्डिंग उन पर डालते रहते हैं और वो भाई बिल्कुल खुश हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे बस यही कहता हूं कि भाई उनका हमको लेजर करवाना है, क्योंकि वो भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एससी से हैं, तो आप स्थिति आप लोग खुद समझ सकते हो, यार हमको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो यूपीएसआई की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, हम उनका लेजर कराएंगे, जिससे कि वो यूपीएसआई के मेडिकल में ग्रैंड फिट बैठे। इसलिए दोस्तों, आपसे 101 रुपये का जो डोनेशन आपका भाई मांगता है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब फायरमैन वालों, यार जेल वाले बहुत बढ़ चढ़ के, यार उन्होंने पहले डोनेशन किया था, लेकिन फायरमैन वाले भाई अब आपसे स्पेशल में इस वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी आमद हो गई है, यार ऐसा कर सकते हो यार, लेजर में 60-70 हज़ार मेरे को तो अंदाज नहीं है, 3 रुपये तो आराम से लगते होंगे, आप समझदार हो, तब तक आप नहीं आओगे तब तक नहीं हो सकता। तो अभी 101 रुपये का डोनेशन, और जितना आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। ठीक है साथी, 95-28-58-75-89, ये पेटीएम और फ़ोनपे दोनों पर है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये आज क्या मसला है। तो भाई हमने जैसे फर्रुखाबाद की आमद हुई थी 3 बजे हुई थी, 17 अगस्त दोपहर को 3 बजे ऐसा हुआ था। DCR भी जिनका पहले हो गया, उनके आमद उन जिलों की आमद पहले हो गई है, और उनको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो SSP ऑफिस द्वारा वहीं की वहीं जारी किए गए थे। कहीं आप समझ रहे हो ज्वाइनिंग लेटर आएगा 5-6 दिन बाद ज्वाइनिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ के साथ इनका काम हुआ था, इनको ज्वाइनिंग लेटर वहीं प्रोवाइड कराए थे, 3 बजे समथिंग इनकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब कि आमद इनकी हुई है। अब कोई परेशानी वाली बात इनकी है नहीं, तो हमने इनसे पूछा कि भाई वीडियो वगैरह बना के भेजो, उन्होंने बोला कि भाई वीडियो तो हम तुमको सुबह बना कर देंगे, सुबह वीडियो आ जाएंगी। मैं रात में इसलिए वीडियो लाया क्योंकि हमारे साथी बहुत जिससे सोने से पहले एक अच्छी खबर सुन सके, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है साथियों,
और पक्की खबर है, वीडियो वगैरह और ट्रेन के हमने आपको दिखा दिया है, खुद मैंने वीडियो कॉल पर देखा था, तब जाके पुष्टि करते हैं, हम ऐसे नहीं करते। अब एकदम 100% सत्य मानो कि भाई इनकी जो आमद है वो हो चुकी है। अब उनका क्या, जिन जिलों में आमद नहीं है, जनपदों में, तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हो जनपद वाइज जिम्मेदारी सभी को दे दी गई है। अब आपको जो आपके ग्रुप बना रखे हैं मैंने फायर फाइटर्स के नाम से, उस ग्रुप में सक्रिय रहो और अपनी मतलब प्रेजेंटेंस उसमें दिखाओ, जहाँ अपने सभी मिलकर जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऐसा एसपी ऑफिस समझाओ, क्योंकि दोस्तों जिस दिन से आपकी आमद होगी आपकी तनख्वाह उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद समझ सकते हो 17 अगस्त से अब आपका 1000 रुपया डेली वेस्ट हो रहा है, आप खुद समझ सकते हो भैया, अगर अपने 1000 रुपये बर्बाद करने डेली के तो कर लियो, ये बात है खुल्लम खुल्ला, ठीक है भैया। अब आप जाइए अपनी यूनिटी बनाकर, आपके लिए ग्रुप इसीलिए तो मैंने बनाया यार, आप ग्रुप का महत्व नहीं समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए बना रखी है ग्रुप, इसलिए आप ग्रुप में जो भी कैंडिडेट्स हैं सबरे मिलकर नंबर वगैरह हैं एक साथ एसएसपी ऑफिस जाइए, एक दिन जाओगे दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी आमद 100% हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ऐसे जिनकी एलआई वेरिफिकेशन वगैरह हो गई है वो अपने एसएसपी ऑफिस में ज़रूर जाएं, एसएसपी ऑफिस में फिर फायर स्टेशन में, यहीं आप अवश्य होकर आइए और आपकी आमद बिल्कुल जल्द से जल्द हो जाएगी। और 17 अगस्त से आपकी आमद स्टार्ट हो गई है, और हमने आपको 15 अगस्त बोला था जिसमें एक दिन बीच में रह गया, उसके लिए आप हमको क्षमा करना दोस्तों। और जो भी यार हमने आपको खबर यार कट ऑफ वगैरह नॉर्मलाइजेशन वगैरह और जो भी रिजल्ट की न्यूज़ जो भी हमने आपको दी आप लोग सब जानते हो यार, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और कर ली आपको जिनका हो गया है अपने एसएसपी ऑफिस में अवश्य चले जाइए, यदि आपको आमद करवानी है तो सीधी बात, और जिनको डिले करवाना तो भाई ये लोग डिले करेंगे, इनका कुछ नहीं जाता, उसमें हमारा ही 1000 रुपये का नुकसान डेली का डेली हो रहा है। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द अब जिस भी जनपद की आपकी आमद होती चली जाएगी हम आपको बताते जाएंगे, और आप अब इन पर एकदम प्रेशर बना सकते हो कि भाई तुम एक ज़िले में हुई है तुम उससे ये बोलो कि 10 जिलों में हो गई है, तब जाकर वो मानेंगे कि सर देखिए फरुखाबाद इनमें आपकी आमद हो चुकी है, आप क्यों नहीं करा रहे हो, हमारे 1000 रुपये डेली का नुकसान हो रहा है, वो हमारा कहाँ से दोगे आप लोग। तो उनसे इस बात को बोलिए और फिर आपकी जल्द से जल्द आमद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन हो गया होगा आपका, उसके बाद LIU और LIU के बाद DCR भी होता है, पुलिस लाइन में होता है, तो उसे करा कर हमारे भाई ने सलाह दी थी कि भाई जैसे LIU होता है आपका एक प्रोसेस, DCR भी होता है, जो आप अपने जो पुलिस लाइन में होता है वहाँ से करा के अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो इसलिए भाई अपना अवश्य वो करा लीजिए, जो भी प्रोसेस है कल आप सभी को अपने SSP ऑफिस में ज़रूर जाना है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमारे साथ ही यार रात को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पता है हमको देखेंगे तो है नहीं रात को लोग, पर हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी हमारे साथ ही हमारे चैनल से जुड़े हैं अगर 10 कैंडिडेट्स भी देखेंगे तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो पूरा प्रूफ तुम्हारे भाई ने पुष्टि कर ली है, तुम्हारा भाई गारंटी लेता है, तुम्हारा भाई जिम्मेदारी लेता है, बस विश्वास रखो यार तुम्हें क्या है। और कल पूरा प्रूफ हम आपको दिखा देंगे, वीडियो वगैरह से टोटल व्यवस्था दिखा देंगे, क्या हो रहा लाइव दिखाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा भाई हूं मैं, टेंशन मत लो। और भैया यार 101 रुपये का अवश्य डोनेशन कर देना, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, भाई का लेजर कराना है, हालांकि जिम्मेदारी तो मैंने नितिन भाई की ले ली है, पर यार वो तो मैं करूँगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन यदि आप लोग सपोर्ट कर देगा तो थोड़ा मेरे पे भी एक इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये बात आप खुद समझ सकते हो, ठीक है साथियों। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जय हिंद।